दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आईपीएल के इतिहास की पहले विजेता टीम के बारे में। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के बारे में। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल के पहले सीजन के अलावा किसी और सीजन में छाप छोड़ने में नाकामयाब रही है। दोस्तों आईपीएल सीजन 2020 में कहानी कुछ और हो सकती है, क्योंकि इस टीम ने आईपीएल सीजन 2020 के ऑक्शन में अपने दल में कुछ शानदार खिलाड़ियों को शामिल किया है और इस टीम का फाइनल स्कोर काफी ज्यादा दमदार निकल के आ रहा है। दोस्तों इसी के ऊपर लेके आया हूं अपना आज ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ राजस्थान रॉयल्स की टीम का फाइनल स्कोर, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आईपीएल सीजन 2020 में राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से हमें प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन क्या नजर आ सकता है ज्यादातर मैचों में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज हमारे इस वीडियो को आप हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोस की और आप लोग आनंद उठा पाए हमारी मजेदार वीडियोस का। तो आइए दोस्तों समय को ना जाया करते हुए अब मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल 2020 सीजन के लिए फाइनल स्क्वाड के बारे में। दोस्तों इस टीम के बल्लेबाजों की बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल, मनन वोरा, संजू सैमसन जैसे युवा बल्लेबाजों के साथ हमें रॉबिन उथप्पा का अनुभव देखने के लिए मिलेगा। कि दोस्तों ओवरसीज बल्लेबाजों के रूप में इस टीम के दल में शामिल हुए हैं कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड मिलर और जॉस बटलर। दोस्तों इस टीम के पास कुछ खास ऑलराउंडर भी मौजूद हैं, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और टॉम करन भी शामिल हैं। दोस्तों इस टीम के पास तीन युवा प्रतिभाशाली भारतीय ऑलराउंडर भी मौजूद हैं, रियान पराग, राहुल तिब्बतिया और श्रेयस गोपाल के रूप में। दोस्तों इस टीम के बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो इस टीम के पास बॉलिंग लाइनअप में मीडियम पेस गेंदबाजों की भरमार है, जैसे कि अंकित राजपूत, वरुण अरुण और जयदेव उतनादकर जैसे भारतीय गेंदबाजों के साथ जोफ्रा आर्चर, एंड्रू टाई, ओशन थॉमस जैसे ओवरसीज गेंदबाज भी मौजूद हैं, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट की कमान संभालेंगे मयंक मारकंडे। दोस्तों अब समय को ना जाया करते हुए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आईपीएल सीजन 2020 में राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन किस प्रकार होने वाला है और ज्यादातर मैचों में हमें किस प्रकार का प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन दिखाई देने वाला है। तो हमें नंबर एक पर नजर आएंगे जॉस बटलर, जो की एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, नंबर दो पर यशस्वी जायसवाल, नंबर तीन पर संजू सैमसन, नंबर चार पर कप्तान स्टीव स्मिथ, नंबर पांच पर बेन स्टोक्स, नंबर छह पर रॉबिन उथप्पा, नंबर सात पर रियान पराग, नंबर आठ पर श्रेयस गोपाल, नंबर नौ पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 10 पर वरुण एरोन, नंबर 11 पर अंकित राजपूत। तो दोस्तों ये थे राजस्थान रॉयल्स के फाइनल स्कोर और प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन आईपीएल सीजन 2020 के लिए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मिल पाए लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोस की और आप लोग आनंद उठा पाए हमारी मजेदार वीडियोस का। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियोस को इतना प्यार दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बना पाऊं और भी मजेदार वीडियोस। और दोस्तों हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।